अच्छा नहीं लगता है। ठंड हो गई एकदम से, ठंड हो रही है। हेलो हेलो एवरीवन, व्हाट्स अप। एकदम इम्प्रॉम्प्टू लाइव सेशन करेंगे आज हम। एकदम सनसेट होने वाला है, मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। इट्स ऑसम, जस्ट लुक एट दैट। सो आई एम इन शिमला और काफ़ी टाइम था। सो गाइस डूइंग, क्या चल रहा है? मैंने बस एक इम्प्रॉम्प्टू सेशन कर लिया, सोचा काफ़ी टाइम हो गया बात किए हुए। लास्ट टाइम हमने दिसंबर में की थी जब मैं दुबई गई थी। मैं भी शिमला में हूँ, वेरी गुड। हाँ, नेटवर्क में इशू हो रहा है एक्चुअली। मेरे को ना काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा एक, जैसे बोलते हैं ना, माइंड में ब्लॉक चल रहा था और मैं ऐसा सोच रही थी कि ऐसा क्या करूँ मैं, मतलब एक बोलते हैं ना, मुझे एक ब्रेक चाहिए था ताकि मैं बाहर जाऊँ, थोड़ा सा मेरा माइंड खुले, दिमाग खुले और मैं और अच्छा कॉन्टेंट सोच पाऊँ और अच्छी चीज़ें डाल पाऊँ। एंड ये सोचते सोचते ही मैंने सोचा कि चलो लाइव कर लेते हैं, आप लोगों से बात कर लेते हैं। थैंक यू। हाँ, मेरे नेटवर्क में थोड़ा इशू आ रहा है बट अब नहीं आएगा होपफुली। और क्या चल रहा है यहाँ पे? टेम्परेचर कम ही है, मतलब रात को तो 10 डिग्री से नीचे हो जाता है। एंड क्योंकि अभी मैं बैल्कनी में बैठी हुई हूँ तो मुझे और थोड़ी ठंड लग रही है। बट बेसिकली हम स्टेइंग इन एन एयरबीएनबी और हम खुद ही कुक कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। एंड मतलब एक ना अच्छी वाइब है यहाँ पे। यहाँ पे ये नहीं है कि आप घूमने आए हुए हो तो आइटनरी आप करोगे, पहले यहाँ जाएंगे घूमने, वहाँ जाएंगे घूमने। यू कैन जस्ट चिल हियर, आप बस चिल करो यहाँ पे। जैसे आप अपने दिन अपने घर पे काटते हो वैसे ही यहाँ पे काटो, बट विद अ गुड व्यू, गुड वेदर। मैम एक ऑटो ग्राफ दे सकती हो? इशिता, स्नैपचैट का फिल्टर नहीं है। नज़ारा तो अच्छा है। व्हाट इज माय प्रोफेशन? लिटिल लाउडर प्लीज। एयरबीएनबी का टूर मैं नहीं दे सकती क्योंकि मैंने अभी उसको बहुत फैला रखा है। मैंने सारा सामान इधर उधर कर रखा है, किचन भी मैंने फैला रखी है तो मैं नहीं दिखा सकती आपको। बट हाँ, 3 बेडरूम्स हैं इसमें, एक हॉल है, एक किचन है और रूम के अंदर भी पूरा ग्लास लगा हुआ है तो रूम के अंदर से भी व्यू देख सकते हो। और कुछ पूछो यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? दिस प्लेस लुक्स मेसमराइजिंग। हाँ एग्जैक्टली, बहुत ज़्यादा मेरा दिमाग खुल गया है यहाँ के। थैंक यू मिनेहा। कभी आए हो हमारे उत्तराखंड में? आई थी 2 दिन पहले एंड आई विल लीव टुमारो। चेक योर साउंड, क्या मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? इज इट कमिंग? शिमला में फ्लैट नहीं खरीदा यार, यहाँ पे फ्लैट आप खरीद नहीं सकते हो अंटिल अनलेस आप यहाँ के लोकल हो। द मैक्स यू कैन डू इज कि यहाँ आप फ्लैट्स लीज पे ले सकते हो, तो मतलब आप लीज पे करो और साथ के साथ उसको एयरबीएनबी भी बना दो या रेंट पे चढ़ा दो, जो करना है, बट सिर्फ लीज पे ही ले सकते हो। इतनी स्वच्छ, पता नहीं यार, वो पहाड़ों में आए हुए हैं इसलिए लग रहा है। आ रही है ना? चलो चलो, गुड। नैनीताल आ जाओ घूमने। नैनीताल में आई हुई हूँ, नैनीताल मुझे बहुत पसंद है, स्पेशली द लेक्स, पर मुझे पानी से डर लगता है। वहाँ पे भी एयरबीएनबीज होंगी तो डेफिनेटली मैं जाऊँगी। वड़ा सनसेट पॉइंट, एग्जैक्टली। मैं तो बस इसी को इन्जॉय कर रही हूँ। जस्ट लुक एट इट। प्लीज़ मे एनी प्लान्स ऑफ कमिंग टू दिल्ली? आई एम बेस्ड इन दिल्ली ओनली, तो मैं दिल्ली तो ऑब्वियसली आऊँगी। एयरबीएनबी का क्या ट्रिक है? पता नहीं यार क्या ट्रिक है, मतलब इन द सेंस, आर यू आस्किंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कि आपको लेना है या फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आपको बनाना है? मैम स्टॉक्स कैसे चूज करें? अरे यार, स्टॉक्स को तो बहुत लंबा चौड़ा प्लान है उसका तो। एनी प्लान्स? ठीक है। एज? यस, योर ऑल इयर्स।
दिल्ली में कहाँ से हो? अरे दिल्ली में क्या करोगे जाने? कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन लेटेस्ट रेपो रेट? नहीं बढ़ाया ना रेपो रेट. रेपो रेट लग रहा था कि अगर रेपो रेट बढ़ेगा भी तो ज़्यादा से ज़्यादा इस बार और बढ़ेगा, बट इस बार रेपो रेट नहीं बढ़ा. दैट डजेंट मीन कि मतलब आगे जाके रेट बढ़ेंगे नहीं, बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि RBI अगर 1% बढ़ाता है तो बैंक्स वगैरह 0.2-0.3% बढ़ाते हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे बढ़ाते हैं, ऐसे एकदम से नहीं 1% बढ़ाते. बैम बिना पैसे के अमीर कैसे बने? लॉटरी. लॉटरी अगर तुम्हारी लग गई तो तुम अमीर हो जाओगे. अरे यार क्या पूछ रहे हो तुम, बिना पैसे के अमीर कैसे बने? मेरा दिल हैंग हो गया है, क्या करना चाहिए? क्रिप्टो पर क्या थॉट्स है आपके? क्रिप्टो पर मेरे ऐसे कोई थॉट्स नहीं है. मतलब अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी रहती है, तो क्रिप्टो इज़ गुड. बट क्रिप्टो के पीछे कि फंडामेंटल समझना बहुत मुश्किल होता है, तो लॉन्ग टर्म में उसका क्या रहेगा मेरे को, मैं उसके मामले में कुछ बहुत फिक्स नहीं बता सकती, क्योंकि मतलब इट्स लाइक एक जगह आप जाओगे जहाँ पे कोई लॉज ही ना हो, वहाँ पे आप नहीं जाओगे, राइट? तो वही वाली चीज़ अभी सारी की सारी गवर्नमेंट्स फेस कर रही है क्रिप्टो लेके. उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि हम इसका क्या करें, हम इसका क्या स्ट्रक्चर बनाएं, क्योंकि इस पे टैक्स ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं. बट द पॉइंट इज़ अभी तो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने का कोई पॉइंट नहीं है. ट्रेडिंग करनी है तो ट्रेडिंग कर लो, ट्रेडिंग में कोई मना ही नहीं है. केरला में लॉटरी गवर्नमेंट कैन बी ज्वाइन टू डू बिजनेस? क्या क्या पूछ रहे हो आप लोग? हाउ टू चेंज बैकग्राउंड? ग्रीन स्क्रीन से चेंज कर सकते हो आप बैकग्राउंड. इंटर्नशिप्स का कोई आइडिया है आपको? हाँ, मैंने अभी इंटर्नशिप्स के बारे में बात की थी, जिसमें हम ये बात कर रहे थे कि इंटर्नशिप्स कैसे ले सकते हैं, क्योंकि हम बस वही है, मैसेजेस भेजते रहते हैं, ईमेल भेजते रहते हैं. तो आप शुरू कर सकते हो, आप अपने आसपास के एरियाज में स्टार्टअप्स ढूंढो और वहाँ पे अप्लाई करो, बिकॉज आप ऑफलाइन उनके ऑफिस में भी जा पाओगे तो दे विल प्रेफर यू. ऐसे बड़े बड़े बिजनेसेस और बड़ी बड़ी कंपनियों के पीछे मत भागो. जहाँ पे भी आपको वर्क एक्सपीरियंस मिले, दैट इज़ गुड इनफ फॉर यू, क्योंकि इंटर्नशिप्स का ओवरऑल करियर में इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता. इट्स जस्ट टू शो यू अ गुड डायरेक्शन. नहीं, वो फेक अकाउंट्स तो यार क्रिप्टो के बारे में बोलते हैं, क्योंकि वो तो है ही इस लेवल का स्कैम ना, कि वो आपसे पैसे ले लेते हैं और बोलते हैं हम आपको बिटकॉइंस देंगे या जो भी देंगे, बट वो है ही स्कैम. तो आपको कहाँ से कोई बिटकॉइन देंगे? उनको तो बस आपके पैसे चाहिए. बैंकिंग अवेयरनेस कहाँ से पढ़ें? यार मैंने तो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा था, तो मेरे पास वही मटेरियल है जिससे मैं पढ़ती हूँ. अदरवाइज़ आप NISM की बुक्स हैं जो फ्रीली अवेलेबल होती हैं. NISM PDF लिख के आप देख सकते हो, आपको काफ़ी सारी बुक्स मिल जाएंगी, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड, इन्वेस्टिंग से रिलेटेड. इज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग वर्थ डूइंग? इफ़ यू वॉन्ट अ क्रिएटिव, मतलब अगर आप बचपन से ही क्रिएटिव हो और आपको क्रिएटिव चीज़ें ही पसंद है, तो ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में सोचना. वरना अगर आपका एनालिटिकल माइंड है तो फिर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं कर पाओगे इवेंचुअली, बिकॉज इट्स अ वेरी, मतलब ये कोई बहुत स्टेबल करियर नहीं है. आगे जाके AI बहुत ज़्यादा ऑटोमेट कर देगा, तो एज ऑफ नाउ ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोई पॉइंट नहीं है फॉर लॉन्गर टर्म. बट हाँ, फॉर एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम, फॉर मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आप कर सकते हो. हिमानी, पोस्ट योर फोटो ऑल्सो, देर आर मोर ऑफ योर रील्स. हाँ, फोटोज़ मैं इतना नहीं डालती यार, मेरे को शौक नहीं है फोटोज़ का. म्यूचुअल फंड के बारे में आपका ओपिनियन? म्यूचुअल फंड के बारे में मेरा ओपिनियन अच्छा है. इज जस्ट के जिसके पास टाइम नहीं है कि वो चूज़ कर पाए कि मेरे को कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, उनको एडवाइज़र से डेफिनेटली हेल्प लेनी चाहिए. यार हमें कोई मेडिकल प्रॉब्लम होती है तो हम डॉक्टर को कॉल करते हैं ना, तो इस चीज़ में भी हमें फाइनेंशियल एडवाइज़र्स की मदद लेनी चाहिए. और अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो ओवरऑल मार्केट में पैसे लगाना चाहिए, जैसे कि Nifty 50 की, भाई टॉप 50 कंपनीज, टॉप 100 कंपनीज, क्योंकि इसमें टाइम लगता है एक प्रॉपर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाने में, जिसके अंदर लार्ज कैप कितना होगा, मिड कैप कितना होगा, थीम बेस्ड होगा या नहीं होगा, पूरी एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है जो आप खुद से नहीं बना पाओगे अनटिल अनलेस आप करते ही वो काम हो. बिटकॉइन लीगल है? हाँ, मतलब काइंड ऑफ लीगल ही है अगर हम दे रहे हैं उस पर टैक्स तो. वैसे
वैसे मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों का एक Q&A सेशन कराऊं विद अ प्रोफेशनल, तो अगर आप लोगों को अगर कोई टैक्स रिलेटेड इश्यूज हैं जिसमें को यहाँ पे कमेंट पे यस लिखो, अगर आप चाहते हो कि मैं किसी इनकम टैक्स प्रोफेशनल को लेके आऊं, CA को लेके आऊं, जो आपको आपकी सारी क्वेरी सॉल्व कर दे, जस्ट लेट मी नो हियर। कैमरा बहुत हिल रहा है, कैमरा इसलिए हिल रहा है क्योंकि मेरी चेयर वो वाली है, रॉकिंग रॉकिंग वाली चेयर है, जैसे हिलती है। शेयर मार्केट के बारे में कुछ बताओ। अरे यार मार्केट बढ़ रही है, खुश हो जाओ। फेवरेट IPL टीम, मैंने क्रिकेट देखना काफ़ी पहले बंद कर दिया था, मतलब मैं पहले सिर्फ वो देखती थी, T20 देखती थी, क्योंकि मुझे जल्दी क्लोजर चाहिए होता था कि भाई कौन कौन सी टीम जीत रही है, बट अब मेरे को वो भी देखना पसंद नहीं है। किस में पैसे इन्वेस्ट करूँ जो ज़्यादा रिटर्न दे? ज़्यादा रिटर्न के पीछे मत भागो, ये देखो कि आप कितना रिस्क लगा सकते हो, क्योंकि अगर ज़्यादा रिटर्न है तो ज़्यादा रिस्क भी होगा। वैसे मेरे को इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करनी थी, मेरे को तो बस आप लोगों को सनसेट दिखाना था, बट ठीक है। लोन का टेनोर कैसे कम करा सकते हैं? लोन का टेनोर आप कम करा सकते हो, लोन को आप प्रीपे कर सकते हो, क्योंकि लोन का टेनोर एक्सटेंड होता है, कम नहीं होता है। वैसे हैप्पी हनुमान जयंती टू ऑल ऑफ यू। हाउ टू रिवाइव सिबिल स्कोर? टाइमली पेमेंट करो, वो बस ये देखते हैं, आपकी विलिंगनेस देखते हैं कि आप कितने बड़े कितने कम चोर हो, मतलब वो एक तरीके से हमारी जेन्युइनिटी देखते हैं कि अगर हम इसको लोन देंगे तो ये किस लेवल तक विलिंग रहेगा अच्छे से पैसे वापस देने में। तो ऐसे ऐसे उनको एक्टिविटीज़ करके दिखाओ, जैसे बोलते हैं ना उनका ट्रस्ट गेन करो, जो भी आपके पास बिल्स आने हैं उसको टाइमली पे करो, अगर आपको क्रेडिट कार्ड के बिल देने हैं तो जैसे बोलते हैं ना सिर्फ मिनिमम अमाउंट मत दो, ये सब चीज़ें करो जिससे उनको ट्रस्ट हो कि हाँ यार ये इस बंदे को मैं लोन दे सकता हूँ। बस ये ही ट्रिक है इसकी, और एक कुछ नहीं है, सिर्फ अपने पैसों को अच्छे से मेंटेन करो। व्हाट इज योर यस अरे ड्रीम इलेवन का बता दो। अरे ड्रीम इलेवन कहाँ से आ गया यार? ऑफकोर्स CA को लाना चाहिए ना, मेरे को भी लग रहा है कि हमें एक सेशन करना चाहिए जिसमें हम टैक्सेशन के बारे में बेसिक से लेके डिटेल तक जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो हम सॉल्व करेंगे उस सेशन में। नाइस आइडिया। 20 करोड़ की लॉटरी कैसे लगेगी? अगर मेरी 20 करोड़ की लॉटरी लग गई ना, मतलब उसके बाद मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊंगी, उसके बाद मैं नहीं कमाऊंगी उसके बाद पैसे, मेरा हो जाएगा। उसके बाद चाहे 30% टैक्स भी ले लेना गवर्नमेंट, आई विल बी वेरी हैप्पी। मैं उसको लिटरली सबसे कम रिटर्न वाले उसमें में भी लगा दूंगी ना, उसमें भी मैं खुश जाऊंगी जितने पैसे मेरे पास आएंगे, आई विल सर्वाइव विद दैट। आई होप किसी को लॉटरीज के बारे में पता हो तो बताना यार। डार्क सर्कल्स कैसे कम करें? मेरे तो कम हुए ही नहीं मैं क्या बताऊँ कि डार्क सर्कल कैसे कम करते हैं, आई हैव नो आइडिया। I tried everything but it doesn't work, especially if it's hereditary. मैम कॉमर्स सिखाओ। कॉमर्स सिखाऊँ कैसे मैं आपको? BBA करो या BCom करो? नहीं ले रहा है इस चीज के ऊपर, सो इवेंचुअली हमको ही अवेयर होना पड़ेगा कि ये जो फेक प्रोफाइल है उनसे हम बात ना करें, उनके साथ हम रिएक्ट ना करें कि वो हमें बोल रहे हैं कि हाँ आप हमको पैसे दो, हम आपको पैसे लगाएंगे, बिटकॉइन देंगे हम, और आप कह रहे हो कि हाँ हिमानी बोल रही है ऐसा, बिकॉज कोई भी कॉन्टेंट क्रिएटर कभी भी आपसे पैसे नहीं मांगेगा। सीम्स लाइक सनसेट हो चुका है, इट्स डन। यार प्लीज 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 किसी भी फेक अकाउंट से बात मत किया करो। डज बैंक चार्ज फॉर प्री पेइंग लोन? यस, मतलब वो
जब लोन लेते हैं ना उस टाइम पे हमें नेगोशिएट करना होता है उनके साथ कि हमारे अग्रीमेंट में प्री पेमेंट पे आप कोई भी चार्ज ना लगाओ, क्योंकि अगर उस टाइम पे आप नेगोशिएट कर लोगे तो आपके अग्रीमेंट में नहीं लिखेंगे। तो आप अपने लोन का अग्रीमेंट चेक करो कि उसमें प्री पेमेंट चार्ज क्या है। यूजली 1% होता है, बट इट डिपेंड्स इफ आपने पहले से ही बात कर रखी है उसके ऊपर। शो द सनसेट, या आई एम शोइंग द सनसेट। क्रेडिट कार्ड के बारे में बताएं आपको। सिबिल स्कोर को चेंज होने में इट विल टेक 6 months, मतलब 6 महीने लगेंगे। आप लगातार सही से पेमेंट करते रहोगे, लोन्स अपने ठीक से रीपे करते रहोगे, एडिशनल लोन ज़्यादा नहीं लोगे, तो आपको तब भी 4 से 5 महीने का टाइम लगेगा, क्योंकि इन लोगों के मॉडल इस तरीके से बने होते हैं कि वो हर 3 महीने की प्रोग्रेस चेक करते हैं। हर महीने का डेटा जाता है इन लोगों को आपका, लेकिन हर 3 महीने वो आपकी प्रोग्रेस चेक करते हैं और स्कोर अपडेट करते हैं ऑन एन एवरेज। नेटवर्क गड़बड़ है, नेटवर्क गड़बड़ है क्या? नहीं, मेरे को तो सही लग रहा है अभी तो। हाउ मेनी बैंक अकाउंट्स आर इनफ? आई थिंक 2 आर इनफ, क्योंकि जैसे मैं क्या करती थी जब जॉब लगी थी, तो इनिशियली तो मैं इतना सेव नहीं करती थी, बट जब मैंने सेव करना शुरू किया तो मैंने एक सेकेंड अकाउंट खोला और वहीं पे मैं 20-30% जितना भी मैं डाल पाती थी उतना मैं डाल देती थी कि भैया चलो अब मैंने सेव तो कर लिया, अब जो बचा हुआ है इसमें से मैं खर्च करूंगी। सो आई थिंक 2 आर इनफ, मोर देन 2 देन इट बिकम्स अ हैसल फॉर दी ट्रांजेक्शन ऑल्सो। मैम मैं एग्जाम में फेल हो गया। अरे कोई बात नहीं यार, फेल हो गया तो कभी ना कभी तो पास हो गए ना, मैं भी फेल हुई हूँ। एंड जब हम फेल होते हैं एग्जाम्स में तो काफ़ी बार तो हमें पता होता है कि हाँ इस एग्जाम में लगने वाली है, बट कभी कभी अच्छा खासा एग्जाम भी बंदा फेल कर जाता है। नेचुरल है, रियल है। नेक्स्ट टाइम उस सब्जेक्ट में को थोड़ा इंटरेस्ट से पढ़ना, क्योंकि जब तक मैं उस सब्जेक्ट को इंटरेस्ट से नहीं पढ़ पाती मैं नेक्स्ट टाइम भी पास नहीं हो पाती थी। डू यू हैव एनी प्लान फॉर स्टैंडिंग इन इलेक्शन? मैं इलेक्शन में मुझे कौन वोट देगा, किस चीज के लिए? हाँ मैं इलेक्शन में डेफिनेटली खड़ी हो सकती हूँ यार, क्यों क्यों नहीं चला सकती। MLA तो मैं बन ही सकती हूँ कोई टिकट दे तो। हाउ टू फाइंड समर एंड डोंट यू फाइनेंस? फाइनेंस का क्या है ना कि हर कंपनी में फाइनेंस होता है, चाहे वो एक चॉकलेट ही बेच रहा हो, बट इवेंचुअली उस कंपनी का भी फाइनेंस कोई ना कोई हैंडल कर रहा होगा। तो आप बड़ी बड़ी कंपनीज के पीछे मत भागो, अपने आसपास के बिजनेसेस देखो, सर्च करो गूगल पे स्टार्टअप्स नियर मी। मैंने भी ऐसे ही ढूंढी थी, मतलब मैंने तो 2014 में ढूंढी थी, बट ऐसे ही देखी थी मेरे घर के आसपास, मुझे दिखा कि ये कोई बोर्ड है, बहुत बड़ा सा कोई ऑफिस है यहाँ पे, और मैंने जब सर्च किया उसके बारे में तो मुझे पता चला कि वो एक एक्चुअली स्टार्टअप है जो एजुकेट करता है स्टूडेंट्स को। उनके साथ मैंने काम करना शुरू किया, वहीं पे मैंने देखा अच्छा इनकी जॉब पोस्टिंग है, मैं सीधा उनके ऑफिस चली गई। तो अपने आसपास देखो, बिकॉज आपको पहली इंटर्नशिप वहीं से मिलेगी, वरना आगे लोग बोलते रहते हैं कि एक्सपीरियंस दिखाओ। एक्सपीरियंस तभी मिलेगा जब लोकल लेवल पर थोड़ा काम करोगे। ओके ब्रो, शिमला कब गई? शिमला 2 दिन पहले आई थी मैं। कौन सी जगह है ये? शिमला ही है। ये मेरा फेक अकाउंट नहीं है, इससे मैं लाइव आई हुई हूँ। अरे मेरे अकाउंट को भी फेक बोल रहे हो। लोन हमेशा मोस्टली फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे लेना चाहिए, फिक्स इंटरेस्ट रेट पे नहीं, क्योंकि वो इनिशियली बहुत ज़्यादा होता है और वो मतलब एक कैवियट होता है, वो आगे जाके भी चेंज हो सकता है। वाई डस US रिसेशन अफेक्ट आवर मार्केट? क्योंकि US अपने सर्विसेज का जो काम है वो इंडिया में आउटसोर्स करता है, तो जो भी IT रिलेटेड काम है वो इंडिया और बांग्लादेश में वो एक्सपोर्ट करता है, इसलिए हम अफेक्ट हो जाते हैं। अगर वहाँ काम नहीं होगा तो इंडिया में भी काम नहीं होगा। बट कुछ कुछ इंडस्ट्रीज ही हैं जो US से अफेक्ट होती हैं, ओवरऑल मार्केट अफेक्ट नहीं होता। ओके गाइज, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आई नो, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू शो यू दी प्रिटी सनसेट जो कि अब ख़त्म हो चुका है।
इवन आई एम गोइंग इनसाइड नाउ, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है मेरे को। आपके मैं सारे कमेंट्स पढ़ रही हूँ। यू आर नॉट टेकिंग माई क्वेश्चन, सॉरी मैं नहीं देख पा रही। बाय बाय, सी यू अगेन, डेफिनेटली अब फिर से लाइव करते हैं। बाय गाइस।